आम चुनाव को लेकर सभी सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं इंडी गठबंधन के दल दिल्ली के रामलीला मैदान में लामबंद हुए और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में इंडिया गुट के आला नेता रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमा हुए। उन्होंने लोगों से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ऐसा करना समय की मांग है। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। ये जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही है। यह हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान चढ़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस राय के खिलाफ हमने आवाज उठानी है, इस राय के खिलाफ आपने वोट देना है। लोकतंत्र बचाओ रैली में इंडिया ब्लॉक में शामिल लगभग सभी पार्टियों के नेता शामिल थे। उन्होंने बीजेपी के विरोध में जोशीले भाषण दिए और लोगों से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को समर्थन देने की अपील की। जो लोग नारा लगाते हैं अब की बार 400 पार, उनका मुंह है कुछ भी बोलेंगे, लेकिन एक बात तय है, जनता ही मालिक है, आप मालिक हैं। और आपको तय करना है कि देश के शासन में कौन बैठेगा, काम करेगा। वी हैव टू सेव आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अदरवाइज मोदी विल रिप्लेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज ए थियोक्रेटिक कंट्री। इंडिया विल बिकम ए थियोक्रेटिक नेशन, इंडियन स्टेट विल बिकम ए थियोक्रेटिक स्टेट। What remains? Where is democracy? Democracy is already in peril. This has to be stopped. How to stop this? We who are gathering here, we should demonstrate our strength in the forthcoming elections. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के कथित मामलों में अपने पतियों की गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार की आलोचना की। सुनीता केजरीवाल ने अपने पति की एक चिट्ठी पढ़ी। उन्होंने कहा कि ये चिट्ठी उन्होंने ईडी की हिरासत से भेजी थी। कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जन्म में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। भारत में बाबा साहेब जी के, संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा, जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी दो बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो, सिर्फ हम ही नहीं पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा
कि बीजेपी को ऐलान कर देना चाहिए कि तीनों उसकी सहयोगी एजेंसियां हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों और नेताओं को धमकाने के लिए इन संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को एक एक करके हमारे संस्थाओं को वो खराब कर रहे हैं, उसका ऐसा गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग करके एक एक नेता को डरा रहे, यहां तक कि पार्टी के लोगों को भी डरा रहे। एएपी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि रामलीला मैदान एक ऐतिहासिक जगह है जिसने देश के इतिहास को कई बार बदला है। साथियों, ये रामलीला मैदान वो ऐतिहासिक मैदान है जिसने भारत के इतिहास को कई बार बदला है। इस रामलीला मैदान ने जब जब देश के अंदर संकट पैदा हुआ है, इस रामलीला मैदान से बदलाव की आवाज उठी है, इस रामलीला मैदान से परिवर्तन की आवाज उठी है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से विपक्षी दलों के नेताओं को झूठे आरोपों में जेल में डाला जा रहा है। आपके चुने हुए नुमाइंदों की बात कर रही हूँ, जिनको आप लोग वोट डाल के एमएलए बनाते हैं, लोकसभा मेंबर बनाते हैं, चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, मिनिस्टर बनाते हैं, कैसे उन पे करप्शन के चार्जेस लगा के बिना कोई वकालत के बिना कोई कार्रवाई के जेल में डाला जाता है। रामलीला मैदान में रविवार को आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली के जरिए इंडिया गुट ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी ताकत और एकता का प्रदर्शन किया।